देखिए भाई, अभी तो पंखा चला भी नहीं ढंग से यार। देखो, द कमेटी हैज ऑब्लिक हैव पास द रिसोल्यूशन यूनानिमसली। अब आप बताओ, कमेटी सिंगुलर है प्लूरल है? ओ, कमेटी है क्या? कलेक्टिव नेम। और यूज कैसे कर रखी है? यूनाइटेडली। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिंगुलर होगी। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरी मैन। देखो अब एक बात ध्यान रखना, एवरी हो, ईच हो, इनके साथ जब भी कुछ आगे लिखा मिले नाउन, वो हमेशा कैसे रहता है? सिंगुलर। अब चाहे एंड लगाए, चाहे कुछ भी लगाए आगे, ठीक है ना, एवरी के साथ लिखा हुआ है, चाहे एंड लगाए फिर लिख दे वापस से ईच वगैरह, तो भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग अभी आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वॉज। आपको लगेगा सर एवरी मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, फिर भी वॉज लगा रहे हो, क्योंकि ये एक एक की बात करता है अलग अलग, इसलिए क्या आएगा? क्या आएगा भाई? वॉज, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट वन, सॉरी, नेक्स्ट वन इज एवरी। नहीं होता तो बिल्कुल अलग अलग होता, तो मैन वुमेन एंड चाइल्ड तो भरा था। नेक्स्ट, गवर्नर एंड चांसलर। अब बताओ, आर्टिकल एक के साथ ही लगा हुआ है ना, यानी गवर्नर भी वही है और चांसलर भी वही है, तो सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा ना, दोनों के साथ अलग अलग होता तो क्या आता था? है आता। अरे भाई, ये बात समझ में आ रही है? ऐसे चल रहा है तुम्हारा? ये सेव हो रही है ना कहीं ना कहीं? नेक्स्ट है, अ वैरायटी ऑफ प्लेसिंग प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। देखो एक बात ध्यान रखना, अ वैरायटी ऑफ, अ मोस्ट ऑफ वगैरह, इनके बाद जैसी नाउन आती है ना, वैसा ही क्या आ जाता है? वर्ब। तो ये नाउन कैसी ऑब्जेक्ट्स? प्लूरल है। प्लूरल है तो बताओ क्या आना चाहिए? प्लूरल है तो चाम या चाम्स? चाम। प्लूरल ही वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका दे आर डैश एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो बताओ ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, देयर के अकॉर्डिंग कोई लेना देना ही नहीं, तो क्या आएगा? इज। यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि देयर का अपना कोई रोल नहीं, देयर अपने से पहले आए नाउन और नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग ऑफ लेता है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स। अब माई फ्रेंड्स का एक ग्रुप के बारे में बात हुई है, तो सिंगुलर आना चाहिए। वॉन्ट या वॉन्ट्स? वॉन्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नीदर अ फूड नॉर वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, नीदर के साथ नॉर है, हेल्पिंग अब मुझे यहाँ लगानी, तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? वॉज। बताया ना ये भी कि नीदर नॉर इधर और हो तो आप क्या लगाएंगे? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग अब मेन वर्ब लगाते हैं। ये बाकी क्या आगे? नेक्स्ट, मैनी अ वुमन। मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी थी कि मैनी के साथ तो प्लूरल आता है, लेकिन मैनी के साथ ए लिखा मिल जाए तो नाउन भी कैसी आती है? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। और प्रेनाउन भी सिंगुलर ही आता है। लेकिन आप बताओ, ये मैनी अ वुमेन, ये तो सही लिखा है, तो हैज या हैव? हैज, ठीक है। अगर सिर्फ मैनी होता तो नाउन कैसी आती? नाउन आती प्लूरल। अरे आया ना। और हेल्प वर्ब भी कैसी आती फिर? वर्ब भी कैसी आती? प्लूरल आती। लेकिन अगर मान लो ए मैनी होता तो भी यही रहता, क्योंकि मैनी आगे आ गया तो भी क्या होता सब? नाउन कैसी होती? प्लूरल। और वर्ब भी कैसी होती?
बोलो प्लूरल, अगर मान लो मैनी की जगह क्या होता, मच होता, तो मच किसके लिए आता पहले तो बताओ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है आपका द जूरी वॉज ऑब्लिक वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, बताओ। अब डिवाइडेड सेंस में जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, और जूरी का जब कलेक्टिव नाउन अपने आप में डिवाइडेड सेंस में होगी तो कौन सा वर्ब लेगी, प्लूरल, तो प्लूरल है तो बताओ है वॉज या वर, वर। नेक्स्ट देखो, आ रहा है नहीं समझ में आता, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, अच्छा, दैट हैज या हैव एवर लिव्ड। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको इसमें कॉल आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि वन ऑफ के बाद हम नाउन कौन सा लगाते हैं, भाई एक में से एक की तो बात कर नहीं सकते, यानी वो तो प्लूरल ही लगाते हैं, और अगर इसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग ऑफ जो मेन वर्ब लिखी मिल जाए तो हम कैसी लगाते हैं, सिंगुलर, ये बात आप सब जानते हैं, अरे हाँ या ना, लेकिन कभी कभार क्या है वन ऑफ वगैरह इनके साथ आपको वो नाउन लिख के दे देगा, नाउन हमें कैसे चाहिए और वो प्लूरल, अरे बोलो, लेकिन अब डायरेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछ रहा, वो बीच में क्या लगा देगा, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन से, या तो लिख देगा हु, या लिख देगा होम, या लिख देगा विच, या फिर लिख देगा दैट, अगर इनको वो बीच में लगा देता है तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे ये कौन है, रिलेटिव प्रेनाउन, कौन है ये, रिलेटिव प्रेनाउन होते हैं ये, और ये क्या करते हैं अपने से पहले आए नाउन प्रोनाउन के बारे में आगे बताते हैं, रिलेटिव प्रेनाउन, जैसे मान लो ये रिलेटिव प्रेनाउन है, ये क्या करेगा अपने से जस्ट पहले जो आया है ना उसी नाउन प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस में आगे बताएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से जस्ट पहले आए नाउन प्रोनाउन के बारे में आगे बताता है, तो अब बताओ इसके बारे में बताएगा वो तुम, और इसके बारे में बताएगा तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब कैसी हो जाएंगी, अब प्लूरल हो जाएंगी, समझ गए क्या, अरे बोलो, हाँ बोलो, तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, मिल्टन वॉज, ये ठीक लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल चाहिए, प्लूरल है, सही है। अब डायरेक्ट हेल्पिंग और लिखी होती तो मैं डायरेक्ट क्या लगाता, हैज लगाता, यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग होती तो हैज लगाता, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया उसने, दैट, दैट किसको बता दिया, अब इन पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल, तो अब हैज आएगा हैव आएगा, हैव आएगा, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर आ गया ना समझ में यहाँ तक, नेक्स्ट। यार रखूँ, ये खुद ही लूज हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, नेक्स्ट देखो, द थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर इंटरेस्टिंग मूवी, अच्छा कोई मूवी का नेम है, आप इसको थ्री इडियट्स प्लूरल मत समझ लेना, वैसे तो इडियट्स तीन लिख रखे तो प्लूरल आना चाहिए, ये मूवी का नेम है तो सिंगुलर है, क्या आएगा, आर या इज, इज, नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ देम इज ऑब्लिक आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि नीदर के साथ ये प्लूरल आएगा, प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग ऑफ कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा, तो किसी की बात ही नहीं हो रही तो प्लूरल क्यों होगा, क्या आएगा, इज, क्या, ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो, बड़ा ज्यादा हो गया क्या, सही है ना, नीदर ऑफ देम इज ऑब्लिक आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो करा दिया ना, अब देखो नीदर ही नॉर हिज सिस्टर, नीदर के साथ किसका पेयर होता है, नॉर, ठीक है, वॉज या वर देयर, भाई आपको बताया कि नियरेस्ट कौन है यहाँ पर, सिस्टर,
सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज। नेक्स्ट देखो, आपको एक जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं ताकि आप समझ पाएं चीजों को, इतने क्वेश्चन इसलिए डालें ताकि एक बार में याद नहीं हो तो दो पता 5 से 10 क्वेश्चन डालें। बताओ इसका आंसर, बता दिया मैंने आपको ये। देयर डिस मैनी देयर डैश इज ऑब्लिक आर मैनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान। अब बताओ ऑब्जेक्शंस लिखा हुआ है, प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल, तो आर या इज? आर। देयर का तो कोई रोल है ही नहीं, मैंने आपको बता ही दिया था पहले, देयर अपना कोई रोल नहीं होता इसका। ये क्या करते हैं, क्या करता है भाई? अरे बोलो, देयर का कोई रोल नहीं होता, वो अपने के बाद जो देयर के बाद जो लिखा होता है नाउन उसके अकॉर्डिंग आता है। मैंने देखा, नेक्स्ट, नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर ऑब्लिक इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। तो बताओ नीदर के बाद में सिस्टर्स लिखा हुआ, इन सभी सिस्टर्स में से कोई गई नहीं है वहाँ पर, किसी की भी बात नहीं हो रही, किसी की बात नहीं हो रही, तो क्या आएगा? सिंगुलर है, इज आएगा। अभी तो बताया कि नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, तो नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही है ना, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगी, इसलिए क्या आया? इज आएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज ऑब्लिक वर्ब प्रेजेंट इन द ऑफिस। अब आप देखो, इसके साथ भी आर्टिकल है, इसके साथ भी आर्टिकल है, दोनों हो गए तो वॉज या वर? वर होगा। बताया ना मैंने, दोनों के साथ अलग अलग डिटरमाइनर आ गया तो क्या आ जाएगा? फिर प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट, एरर आ गई भाई, अब 31 से 135, अरे कितनी एरर लिख दी यार, कोई नहीं, अपन 70 पेज किए नहीं, 70 पेज तक देख रहे हैं, 70 ही होनी चाहिए, आगे की दी नहीं अभी, नहीं आगे की मैंने टाइप नहीं करी थी। देखो इधर, नीदर ऑफ देम, ये देखो ये ऑप्शन बी है, ये है ना, ये गलती से हुआ है, ये ऑप्शन बी है, बेयर मत समझ लेना। आर सूटेबल, अब बताओ इन दोनों में से किसी की बात हो ही नहीं रही, तो आर सूटेबल या इज सूटेबल? इज सूटेबल, यानी बी में गलती थी। क्लियर ये बात? ठीक है, नेक्स्ट, इज योर फादर एंड योर मदर एंड मदर एट होम, बताओ क्या होना चाहिए? योर फादर एंड मदर, तो इज आएगा आर आएगा? आ रहा ना चाहिए, दोनों की बात हो रही है तो। अरे दोनों एक ही थोड़ी है, दोनों अलग अलग हैं, बोलो भाई। अरे माँ बाप तो अलग अलग ही होंगे ना, कि एक ही है सबके। नेक्स्ट, इसका आंसर खुद करो। मैनी अ मैन हैव डन, ये क्या है, क्या कर दिया ये? ये सी होगा, सी है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ये फिर डी हो गया है ना, मैनी अ मैन, फिर सी ऑप्शन हैव डन सो। अब आप खुद बताओ क्या है हैव डन सो? एक मिनट, टाइम हो गया, देखो चलो इसको देखते हैं कल यहाँ से, है ना वापस। जय हिंद, इतना बहुत है, ओके।